मैं राम कुमार सतपंथ गांव पिरथला। हमारे गांव में ये जो अभी जोड बना है बहुत ही अच्छा बना है और आने वाले भविष्य में हम इसकी पूरी निगरानी रखेंगे। अब जो ये बना है तो इसमें गांव वाले पूरी प्रशंसा कर रहे हैं कि वाकई में जो बन रहे था उस टाइम थोड़ा विरोध था, पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, लेकिन बनने के बाद अब खुद भी कह रहे हैं कि वाकई में कोई चीज बनी है गाँव में। बाहर उसमें पेड़ पौधे भी और लगाएंगे, इसकी सुंदरता को और कुछ से बढ़ाएंगे। ये बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा बन गया ये। तो जो पौधे लग गए हैं या लाइटें लग गई हैं, बहुत अच्छा सोना सुंदर बन गया ये। सड़क पे बहुत ही कचरा होता था, जैसे जैसे ये रोड की सफाई होने स्टार्ट की है तो इन्होंने अच्छी से ये बहुत अच्छी मरम्मत कर दी है, पौधे लगा दिए हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी साफ सफाई चल रही है और ये ईंटें वगैरह बहुत अच्छी है। टहलने के लिए बहुत अच्छा बन गया ये। बच्चे शाम को आते हैं, टहलते हैं, बैठते हैं, उनको बहुत अच्छा लगा। हमारा भी फर्ज बनता है आगे इनकी साफ सफाई रखें और पौधों की देख रेख रखें, टाइम से पानी वगैरह सब कुछ देते रहें। मैं पूर्ण सिंह, वोकेशनल टीचर, गांव इंदाछुई, तहसील टोहाना, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा से। लगभग हमारे 40 के लगभग एज हो गई है, हमने आज तक यहाँ पे इतना सौंदर्यकरण नहीं देखा था जितना कि आज हम देख रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो हमारे लिए जो सुविधाएं दी हैं, इनके लिए हम माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय खट्टर जी और जितने भी प्रशासनिक हैं अधिकारी, हम उनका सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप देख सकते हैं इतना प्यूरिफाई होकर के पानी जा रहा है, हमारे पशुओं में बीमारियां नहीं फैलेंगी, इथनेला रोग नहीं होगा और हमारे इधर ना गंदगी थी तो प्रदूषित वातावरण नहीं होगा, साफ सुंदर रहेगा तो हमारा गांव बीमारी मुक्त होगा, रोग मुक्त होगा। और इससे सभी जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का नारा है स्वच्छ भारत अभियान, उसका भी हमें सार्थक नारा करते हो, हम भी इनका पूरा भरपूर साथ देंगे और आगे से सफाई का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।